सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और फेसबुक में जो देख रहे हैं वो उसको शेयर जरूर करिए। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका सेवा है, इसको ध्यान में रखिए। क्योंकि महाराज दुनिया के सभी प्राणियों के लिए जो उनका तपस्या का फल है, जो दुनिया में तपस्या करके उन्होंने पाया, वही सब कुछ दुनिया को देना चाहते हैं। इसलिए उनके जो बोलने का लक्ष्य है वो यही होता है कि सबके लिए कल्याणकारी हो, सबके लिए मंगलमय हो और सभी लोग इसमें युक्त हो। अच्छा, उनका जो फोन है ना उसमें भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट लेके उसको सब्सक्राइब कर, उसको उनको आ जाएगा ये सामने वाला। तो ये पहली बात ये है कि आज एक सूत्र लेकर के मैं आपके ऊपर व्याख्या करूंगा कि अभ्यास वैराग्याभ्यम तन निरोध। बात को ध्यान दीजिए, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को निरुद्ध किया जा सकता है, मन को निरुद्ध किया जा सकता है। अभ्यास वैराग्याभ्यम तन निरोध। बात को ध्यान दीजिए कि अभ्यास, ये अभ्यास शब्द गीता में ना जाने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लक्ष्य करके कितने सारे बार उन्होंने कहा अभ्यास करो। तो अभ्यास किए बिना आपको जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। आदमी थोड़ा बहुत भक्ति कर लेता है, सोच लेता है कर लिया, वृंदावन आया घूम लिया, यमुना स्नान कर लिया, राधा कुंड में हमने थोड़ा कीर्तन कर लिया, ठीक है, जरा बीच में हो जाओ। बीच में राधा कुंड में थोड़ा स्नान कर लिया, तो ये सब जो विषय आता है ये सब हमारे लिए क्या है, बाहरी चीज है। सब बात को दीजिए, भारतवर्ष में जितने भी यज्ञों के बातों को आप सुनेंगे ना, तो बाहरी चीजों के ऊपर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं भी नहीं देता। क्योंकि जो बाहर की वस्तु है
वो तो हमको दुनिया में फंसाता है, मन को बसाता है, बुद्धि को बसाता है, बुद्धि फंस जाती है, चिंताएं उसमें जुड़ जाती है, भावनाएं जुड़ जाती है, हम संसार में इन सारे वस्तुओं में फंस जाते हैं, मन भी फंसता है। तो इसलिए हम कितना भी विचार करें, कितना भी सब कुछ देखें, सोचें, अनुभव करें, लेकिन हमारे जीवन में उसका प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? आप ध्यान दीजिए बात, क्यों प्रभाव नहीं पड़ता? क्योंकि हम उसको हृदय से नहीं करते। जब बच्चा पैदा होता है तो सोचिए, जब मां के पेट में आता है, पता चलता है कि मां के पेट में बच्चा आ गया है, तब से आप उसके बारे में सोचने लग गए। जब वो पैदा हुआ तो उसके बारे में सोचने लग गए, जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसके बारे में सोचने लग गए, और वो दिल से सोचते हैं कैसे बड़ा करें, कैसे पढ़ाएं, कैसे दिखाएं, कैसे अनुभव करें, किस तरह से ये प्राप्त हो। ये सब लोगों को हमेशा चिंता में फंस जाती है। उसको YouTube में जाकर के भक्ति योग आश्रम ट्रस्ट लिखोगे तो वो सब प्रोग्राम आ जाएगा और उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो पहली बात तो ये हुई, क्या बात हुई, कि लोग बाहरी चीजों को जो ज्यादा गुरुत्व देते हैं, ज्यादा उसमें डिपेंड करते हैं और उस पर अपने मन को लगाते हैं, बाहरी चीजों, वो बाहरी ही रह जाते हैं, अंदर से कुछ नहीं होता। अंदर से चेंज कब होता है? जो अपने आत्मा को भगवान से युक्त करेगा, योग करेगा। योग, योग माने युक्त होना, भगवान से युक्त होना। मन को सांसों से जोड़ो, सांस को आत्मा से जोड़ो। जीव का ये धर्म होता है कि प्राण, मन और आत्मा, जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है, कि मनोबुद्धि रे अहंकार, अहंकार मनोबुद्धि रे वच। तो तीन चीज हो गया, अहंकार, मन और बुद्धि, ये तीनों मिलकर एक कोई स्पेस ना देके भक्ति योग आश्रम ट्रस्ट लिखो। तो मन को पहली बात तो ये सोचना है, क्या समझ में आ रहा है, कि मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों को लेकर हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो हमको छोड़ के जाता नहीं है। हम मर भी जाएं, हमारा शरीर मर गया, लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर होता है वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ वो घूमता रहता है। समझ में आया? जो जो सूक्ष्म शरीर है वो भक्ति जो आ गया ना, सारा बोला सब सब्सक्राइब कर दिया ना, आ तो उनको दिखा दो, बोले ये प्रोग्राम रोज देखना तो आ गया है, अपने आप आ जाए, सारा उनको दिखा दो। तो ये बात है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों एक सूक्ष्म शरीर है। इसको अंदर से सोचो कि अजीत मर गए, लेकिन अजीत का आत्मा नहीं मरा, और उसके साथ साथ जो सूक्ष्म शरीर है वो भी खत्म नहीं हुआ, वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। वो कहां ले जाएगा? जैसा तुमने बीज बोया तुमको वहां ले जाएगा, जैसा बीज बोया कि हमको कैसा। और यही शास्त्र कहता है बार बार कि जीव जब मरता है तो एक लाइट के सामने जाके खड़ा होता है, ध्यान दीजिए, एक लाइट, एक सुप्रीम पावर, एक सुप्रीम लाइट उसके सामने जाके खड़ा होता है। वहां से आवाज आता है कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि वो लाइट ऐसा है, ऐसा एक्सरे करता है, ऐसा उसको प्यूरिफाई करता है, पवित्र कर देता है, कि उसके दिल में कोई भी पाप करने की इच्छा, भावना आदि विचार कुछ नहीं रहता, वो एकदम पवित्र हो जाता है, शुद्ध भाव में आ जाता है, सभी प्रकार के मलिनताओं से मुक्त होता है, और उसके सूक्ष्म शरीर को अलग कर दिया जाता है, केवल आत्मा रहता है।
उसको कहते हैं तुम क्या चाहते हो। बोले प्रभु हमने जो संसार में किया है, हमने जो संसार में जाके किया, चाहे अच्छा किया या बुरा किया, किसी का निंदा किया, किसी का बदनाम किया, किसी को दुखी किया, किसी को सुखी किया, जो भी हमने किया है वो हम भोगना चाहते हैं, उसका फल मुझे मिले, ऐसा जन्म मिले मुझे। ये प्रकृति का ऐसा ही सिस्टम है, प्रकृति के सिस्टम से सब कुछ चल रहा है। प्रकृति क्रियमाणानी, प्रकृति स्वयं क्रियावती है, उसको किसी को चलाना नहीं पड़ता, उसमें डीजल पेट्रोल डालने का जरूरत नहीं, कोई मोटर नहीं डालने का है, तो प्रकृति स्वयं अपने सिस्टम को चला रहा है। जैसे चंद्र ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, भूकंप हो रहा है, बहुत कुछ संसार में बदल रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, पृथ्वी चक्कर में घूम रहा है 21,000 किलोमीटर गति से, जो पृथ्वी जो राउंड लगा रहा है, ये सब कुछ प्रकृति के नियम अनुसार चल रहा है। जन्म भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, मर भी रहा है, फिर बूढ़ा भी हो रहा है, कोई दुखी भी हो रहा है, कोई बीमार भी हो रहा है, ये सब प्रकृति का नियम है। क्योंकि ऋषियों ने ही कहा कि शरीर का 8 धर्म है जो बदलता नहीं है, जो सन्यासी हो चाहे कोई भी हो। क्यों? शरीर के जो 8 धर्म होते हैं वो क्या क्या है? क्षुधा, तृष्णा, जरा, व्याधि, शोक, मोह, भय और मृत्यु। ये 8 शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, ये कभी बदलेगा नहीं, ये हर आदमी के जीवन में रोटेशन में ये आने वाला होता है और आता रहता है, कितना भी कोशिश कर लो। संसार में किसी किसी बात से हंसी आती है, लोग सोचते हैं ये मर जाए, ये हो जाए, क्या ऐसा हम सोचने से हो जाए? नहीं होगा ना। जिसका जो कर्म फल है वो उतना दिन संसार में जिंदा रहेगा, उतने दिन के बाद मरेगा। इतने बड़े साधु थे हमारे उड़िया बाबा वृंदावन के, सुना है उड़िया बाबा के बारे में? कालाधारी आश्रम के, तो कितने बड़े महात्मा थे उनके, सब छोड़िए उन बात को लाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बात, तो उनका जीवन कैसे था? अब ये जो परिस्थिति होती है, इतने बड़े महात्मा कभी ऊपर की तरफ नहीं देखते थे, नीचे देख के चलते थे। उड़िया बाबा वृंदावन के सारे लोग उनको भगवान की तरह पूछते थे और वो स्वयं लक्ष्मी मंत्र से सिद्ध थे। एक दिन किसी ने आके कहा, बाबा मैं 300 आदमी को भोजन कराना चाहता हूँ। कलाधरी आश्रम में सबको ऐसे ही निःशुल्क भोजन मिलता है, साधु संत रहता है, बहुत सारे कमरे, 80 कमरे बने हुए थे तभी जिस समय वो चढ़ेगा, लेकिन अगर वो रहते तो ना जाने कितने 100 कमरा बन गए होते। आप पता नहीं क्या कितना बड़ा हुआ, हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम बहुत दिन तक गए नहीं, या अपने चक्कर में फंस गए ना, सब आदमी अपने चक्कर में फंस जाते हैं और फंसने के बाद उसी में घूमता रहता है, उसी चक्कर में घूमता रहता है। मैं भी घूमता रहता हूँ, अगर तपस्या नहीं किया तो मेरा जीवन भी बेकार है। ध्यान नहीं किया, भगवान से जुड़ा नहीं, तपस्या नहीं किया, मंत्र जप नहीं किया, तो मैं केशवानंद कितना बड़ा भी कुछ जगत में बन जाऊं, लेकिन मेरा कुछ होने वाला नहीं। तभी होगा जब मेरा मन, मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा, सब कुछ जब भगवान से जुड़ जाएगा। जब जोड़ के हम योगासन में, जैसे रोज ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आज भी पैदल चल रहे थे तो प्राणायाम कर रहे थे, तो प्राणायाम करना, ध्यान करना, योग करना, अपने हृदय को देखना, टटोलना कि मेरा हृदय कैसा है, क्या स्थिति है, रोज उसको थोड़ा सा वेरीफाई करना जरूरी होता है कि हमने कहां तक आगे बढ़ा, कहां तक मेरा मन शुद्ध हुआ। हा? तो इसलिए ये शुद्ध चेतना, शुद्ध भाव हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है, वो आए बिना ठीक है, तो आए बिना कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं होएगा, सारा जिंदगी बेकार हो जाएगा। बचपन में बाप माँ को छोड़े ना जाने भगवान के लिए कितना रोया, और मरते समय अगर रोना नहीं आया कि प्रभु मैं आपके पास आ रहा हूं, दिल अगर नहीं बोला और दिल से उनसे जुड़ा नहीं, तो जिंदगी भर अगर अपराध कमाया, दूसरों का निंदा किया, दूसरों का परचर्चा में बिता दिया, गलत काम किया, गलत विचार किया, तो मृत्यु भी ऐसी ही होगी और मरने के बाद ऐसे ही गति होगी और वो परिणाम भी वही होगा। समझ गए? ये परिणाम वही होगा। साधु बनने से साधु नहीं होता है, साधु दिल होना चाहिए, दिल में साधुता,
सतता, पवित्रता, निर्मलता, उदारता, ये भाव आना मनुष्य के लिए जरूरी है। इसलिए उसके लिए क्या करो, अभ्यास करो। पतंजलि योग दर्शन में साधन सिद्धि साधन पाद में ये कहते हैं, समाधि पाद में कहते हैं 12 नंबर सूत्र में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। तुम्हारे अंदर निरोध का वृत्ति जो अशक्त भूमि है, वेदांत कहता है ऐसी भूमि में पहुंच जाओ जहां कोई शब्द नहीं है। मन ऐसे जगह में चला गया जो अशक्त भूमि, सारे शब्दों से परे, सारे दुखों से परे, सारे समस्याओं से परे, जहां पर कोई समस्या नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई क्लेम नहीं, ब्लेम नहीं, किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। अरे आदमी संसार में कोई कैसे प्रवृत्ति का, हजारों लाखों प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कोई क्लेम नहीं, कोई ब्लेम नहीं, कुछ नहीं। हमारा जीवन जैसा भी है तो ठीक है। तो इसलिए ये जीवन हमको देखना बहुत जरूरी। ऊपर क्यों जा रहे हो नमिता, ऊपर क्यों जाना है? वो आ जाएगा, वो अभी आ रही है, तुम बैठो, पूरी ऊपर से आ जाओ। तो ये बात हुआ कि हमको किसी के ऊपर कोई क्लेम नहीं रखना है, जाओ भागी को बुला के हुआ। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि जीवन में जो भी कोई परिस्थिति आती है उसमें हमको सुंदर बने रहे, कैसे रहना है, सुंदर बने रहे भाव से, मन से, विचार से, बुद्धि से। तो हम सुंदर बने रहेंगे और निरंतर सहस्रार चक्र में अपना मन को स्थित रखेंगे तो फिर क्या होगा, सब कुछ सही हो जाएगा और मरते समय मन फिर ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेगा। मेरी बात समझ गए, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेगा, भगवान के पास चला जाएगा, क्योंकि वो तो वो गति का जो भूमि है उसमें वो प्राप्त कर लिया। मेरी बात समझ गए ना, वो जो भूमि है। बात ध्यान से सुनना, तुम अभी बच्चे हो, बहुत ध्यान से सुनो कि वो भूमि वो प्राप्त कर ले लिया, उसका दिमाग ने प्राप्त कर लिया, उसके मन ने प्राप्त कर लिया, उसके विचार ने प्राप्त कर लिया, उसके भावना ने प्राप्त कर लिया, उसके संकल्प ने प्राप्त कर लिया। तो सब तो उसका अपना साधना किया हुआ कर्म का फल के रूप में उसके अंदर मिला हुआ है। उसको कोई नहीं, कभी कभी मैं कहता हूं भगवान भी नहीं रोक सकता मुक्ति को। भगवान क्यों बोले, क्योंकि उसने प्राप्त कर ली। मेरी बात समझे, इस बात को ध्यान में रखना कि जो प्राप्त कर लिया वो भगवान भी नहीं छीन सकता, जो मैंने तपस्या के द्वारा प्राप्त कर लिया वो भगवान भी नहीं छीन सकता। इस बात को जीव को ध्यान देना चाहिए कि तुम तपस्या से, तुम कितना भी कहो ठाकुर जी मेरा मंगल कर, मेरा कल्याण कर, ये कोई बात है, ठाकुर जी कल्याण कर देगा? ठाकुर जी किसी का कल्याण नहीं करता, जीव को अपना कल्याण खुद को करना पड़ता है। ठाकुर जी ने यही कहा कि आत्मा ही गुरु, आत्मा ही बोल। उद्धव को ही कहा खुद अपना गुरु बनो और तपस्या करो, मेरे साथ नहीं जाओगे, हरिद्वार में जाके तपस्या करके मुक्ति प्राप्त करो, ध्यान करो। ध्यान करने के लिए कहा, एकादश अध्याय में भागवत में भगवान ने ही कहा, ऐसा बुद्धि है तुम्हारा विष्णु के पास करना, तो बात यह है शास्त्र ही कहता है कि हमें अपने अंदर को अगर हमने तैयार कर लिया तो मेरा मुक्ति का मार्ग या प्रभु के पास जाने का मार्ग कोई नहीं रोक सकता। अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं तो प्रभु के पास ही जाऊंगा, मैं अमृत लोक में चला जाऊंगा, मैं तो अमृत का पुत्र हूं, अमृत का अंश हूं, तो मुझे कोई बंधन नहीं। जिसका बंधन नहीं हुआ वो डरेगा नहीं,
वो डर को जय कर लेगा, भय को जय कर लेगा, उसके अंदर कोई भय नहीं, उसका जीवन भी सुंदर होगा। इसलिए अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास, उसके लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक तो अभ्यास करो और दूसरा वैराग्य माने दृढ़ता के साथ करो। आज कर लिया कल नहीं किया, आज कर लिया कल नहीं किया, फिर जो थोड़ा सा ऊपर उठा था वो डाउन हो गया, फिर जीवन में कुछ नहीं होता। आदमी को रोज वैराग्य का मतलब यही है, दृढ़ता कि मैं तो तपस्या करूंगा, चाहे गाड़ी में हूं, चाहे ट्रेन में रहूं, चाहे घर में रहूं, चाहे रास्ते में रहूं, चाहे और कहीं जाना पड़े, मैं तो अपने साधना के साथ जुड़ा हुआ रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा यही मेरा जीवन है, मैं प्रभु का अंश हूं, उनके साथ जुड़े रहना है, आनंद से रहना तो आनंद भी मिलेगा, भय भी नहीं रहेगा। और जब प्रभु से जुड़े नहीं रहोगे तो दिन रात लोगों को भय सताता है, पता है क्या क्या भय सताता है, ना जाने मेरा लड़का का क्या हो गया, ना जाने मेरी लड़की का क्या हो गया, ना जाने लड़का विदेश में जाकर के हमारे साथ संपर्क रखे ना रखे, आ लड़का तो विदेश भेजा पता नहीं उसका क्या हो रहा है, लड़का बाहर गया अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहां कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, दिन रात डरा हुआ आदमी, हमारा बीमार हो गया क्या हम मर जाएंगे, मरने का डर, बच्चे का डर, मेरा पैसा कहां से आएगा, क्या होगा, मेरा संसार कैसे चलेगा। ये आदमी जिंदगी भर इसको कितना भी समझाओ ये सारा कुत्ते की लेज की तरह है, कि कुत्ते का जो दुम है ना वो सीधा नहीं होगा, वो इतना महाराज बोलते हैं गाली देते हैं प्रवचन में कि कुत्ते का दुम सीधा नहीं होता, वो कहता है महाराज जी ठीक कहते हैं ठीक बोलते हैं लेकिन वो ठीक मानेंगे नहीं, वो कहेंगे महाराज जी तो बहुत बढ़िया, महाराज जी के कारण हम बचे हुए हैं, वो हम जिंदा है उन्हीं के लिए, उनके कथा सुनने के लिए जिंदा है और उनके कथा सुनकर जिंदा है, उनके कथा ना सुनते तो मेरा संसार भी नहीं चलता, मेरा जीवन भी नहीं बिगड़ जाता, पता नहीं क्या हो जाता, ये सब हमारा हमको सुनाता है। अरे मुझे मत सुनाओ, मेरे बात को कितना जीवन में आचरण में लाते हो वो बात बताओ, महाराज तो जिंदगी में प्रैक्टिकल किया हुआ बात बोलता है, वो तो डरने वाला बात नहीं बोलता है ना, किसी को भी किसी से भी नहीं डरते, ना भगवान से, ना भूतों से, ना प्रेतों से, ना डाकिनी योगिनियों से, ये सब मेरा सेवा कर, भगवान को नहीं बोलेंगे लेकिन ये भूत प्रेत पिशाच डाकिनी योगिनी ये सब मेरे सेवा करते हैं, तो भगवान का मैं सेवा करता हूं। तो दूसरी बात यह है कि मेरे जीवन में कभी किसी का तो मेरे जो इतना तारीफ करते हैं कि आपके बातों को सुनकर जिंदा हूं, आपके बातों को सुनकर मेरे मन को बहुत ताकत मिलता है, बहुत बल मिलता है, बहुत ये होता है, हमारे अंदर जो बेटा मरने के बाद जो दुख था आपके प्रवचन ने सारे दुख को कम कर दिया, एक ही पर बेटा था मरने से माँ कितना दुखी होता है, तो आपके प्रवचन ने तो कम कर दिया, आपके प्रवचन से मैं जिंदा हूं, ये हजारों लोगों का कहना है। हम कहते हैं देखो मुझे ज्यादा तुम्हारा प्रशंसा प्रशंसा का कोई लालच नहीं है, ये मत सोचो कि केशवानंद महाराज हमारा प्रशंसा सुन के बहुत खुश होगा, हम सारे ऐसे साधु हैं जो प्रैक्टिकल करेगा उसका तो मैं चरण धो के पी जाऊंगा, ऐसे साधु हूं कि जो प्रैक्टिकल करेगा जो साधना करेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा, और मैं भी उसको कहूंगा कि तुमने ऐसा तपस्या किया। काट दिया ना, तो फोन वगैरह ये मेरे फोन में लाइव प्रोग्राम होता है, थोड़ा सोच समझ के फोन करो। तो दूसरी बात तो क्या हुआ, कोई डरने की बात ही नहीं है, तो केशवानंद महाराज यही कहते मैं मुझे प्रशंसा मत करो, तुम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करो, तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाए तो देख के मुझे आनंद होगा, और तुम मेरा प्रशंसा करके क्या करोगे, तुम्हारे प्रशंसा से मैं कोई बड़ा हो जाऊंगा या छोटा हो जाऊंगा, तुम अगर मुझे गाली दोगे कि महाराज बहुत
मुसलमान लोगों को बोलता हूं तो मुसलमान लोग बहुत गुस्से में होते हैं, वो बहुत बोलता हूं मैं तो गुस्से में। बड़ा बाजार में घुसता हूं तो देखा जाए, देखो वो एक दूसरे को इशारा करता है। हम कहते हैं अरे सर जब तक जिएंगे तो आपने शान से जिए, किसी को डर के थोड़ी जीना है। मुसलमान डरेंगे, मुसलमान हमको मारेगा या बम मारेगा या मार दे लेगा, हम कैसे से नहीं डरते। तो ये मेरा जीवन है और केशवानंद इसीलिए केशवानंद है। इसलिए मेरा कहना यह है कि तपस्या करो, मेरा प्रशंसा करके क्या करोगे। अरे मैं जो हूं तपस्या के द्वारा हूं, तप किए बिना, ध्यान किए बिना, योग किए बिना, कुंडलिनी को अगर, कुंडलिनी महाशक्ति को अगर मैंने जगाया नहीं होता, मैंने योग शक्ति को प्राप्त नहीं किया होता तो मेरा जीवन ऐसे स्थिति में नहीं आता। समझ गए ना? तो ऐसे स्थिति में तभी आता है जब आपने योग साधना ध्यान उपासना को ठीक प्रकार से दिल से मन से हृदय से करता है। मेरी बात समझते हैं? तो इसलिए जो भी करना है अभ्यास वैराग अभ्याम यत्न पूर्वक अभ्यास करो और दृढ़ता के साथ अभ्यास करो। आज कर लिया, चलो आज तो बहुत बड़ा हरुआ हुआ। अरे आप तो आंख बंद करते ही दुनिया भर के सुंदरता को देखते हैं, सारे देवताओं को जिसको देखना चाहे वही मेरे सामने आ जाते हैं। अभी जो मैंने आंख बंद किया, बोले महाराज जी आप क्या देख रहे हैं? देखते तो आंख बंद करते ही एक राजहंस आ गया मेरे सामने। कोई भगवान नहीं आए, कोई ठाकुर जी नहीं आए, जैसा मैं ध्यान कर दो एक राजहंस, एक सफेद राजहंस को मैंने देखा। ये यहाँ पर इसका पालक खिला हुआ है, वो पंखे जो है बड़ा करके हुए एक राजहंस मेरे तरफ देख रहा है, मैंने उसको देखा। आंख बंद करते ही देखा, कोशिश नहीं किया कौन आएगा ये सोचा नहीं, लेकिन आगे अगर मैं सोचूं कि कृष्ण भगवान को देखूंगा तो कृष्ण अपने आप निकलेंगे। तो इसलिए ये मेरा जीवन है, ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये मेरा तपस्या का फसल है। तो इसलिए कोई मुझे प्रशंसा कर दिया तो मैं बड़ा बोल देता ना प्रशंसा करने से ना निंदा। इसलिए तो भगवान कहते हैं, भगवान भी इतने बड़े योगी थे ना, कृष्ण स्वयं जो वो कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा और स्तुति जो समान भाव से लिया, संतुष्ट जेनो के नोचित, जैसे तैसे भी हो, जैसी स्थिति में भी हो वो संतुष्ट रहता है। क्या रहता है? संतोष उसका सबसे बड़ा गुण है, वो संतुष्ट रहता है। अरे चलो कोई बात नहीं, तुमको जो अच्छा नहीं लगा अच्छा नहीं लगा, हमको कोई दुख नहीं है। संतुष्ट सततम योगी, ये भी शब्द भगवान का है। योगी का लक्षण क्या है? जो संतुष्ट में जीता है, आनंद में जीता है, प्रसन्नता में जीता है। संतुष्ट सततम योगी, समझ गए? यतात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। यहां भी यही कहते हैं पतंजलि कि देखो अभ्यास और वैराग्य ये दोनों चीज तुम्हें जीवन में कभी आधार नहीं होना है इनसे। एक तो अभ्यास करो यत्न के साथ, प्यार के साथ, भाव के साथ। समझ गए? एक लड़की जब एक लड़का से प्यार करता है तो दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती है। ये सनातन गोस्वामी ने लिखा युवती नाम यथा युनि, युवक युवती एक दूसरे का मन जब फंस गया तो फंस गया तो सना मर गया, ये तो मर गया ना। ये कितना भी समझाओ, मैं कहता हूं देखो ये शादी करोगे तो तुम्हारा शादी टिकेगा नहीं, जीवन चलेगा नहीं, कितना भी समझो। इसी गाड़ी में भी ट्रेन से आ रहे थे तब भी दो लड़की, एक लड़की मुझसे दीक्षा लिया एक ने नहीं लिया, उनको मैं बता रहा था मित्र मात्र 13% उसका एडजस्टमेंट हुआ। तो वो लड़की को मैंने कहा कि ऐसा मत करो, शादी करोगे तो तुम उसको, मैं तो बोलते समय कभी सोच समझ के नहीं बोलता था उसको, कहता हूँ ए तेरा बाप को मैंने कह दिया वो रेल का बड़ा अफिसर बन गया, आप तो एक काम कर, मैंने जो कहा तेरा बाप भी मानता है, अब तू जल्दी जल्दी शादी कर ले क्योंकि उसके पास उसके साथ तेरा शादी टिकेगा नहीं, और फिर दोबारा शादी कर लेना, उम्र ज्यादा हो जाएगा तो फिर शादी भी नहीं होगी।
उससे तो तुम्हारा जिंदगी निपट मतलब चलेगा नहीं। ये मैंने उसको कह दिया। वो लड़की ना कुछ मेरे सामने तो हंस रही थी लेकिन दिल से गुस्सा कर रही, क्योंकि उसी लड़के में वो फंसा हुआ है। दूसरी लड़की भी एक लड़के से साथ फंसा हुआ है अलीपुर द्वार का, तो उसको भी मैंने बहुत उल्टा सीधा बोला। बोले तुझे अगर मैं लात मार के फेंक दूं, तू तो मेरा शिष्य है, ट्रेन से फेंक दूं तो ज्यादा कौन रोएगा? बोल तेरा वो दो दोस्त है जिसको तू प्यार करती है, क्या वो रोएगा जिंदगी भर तेरे लिए रोएगा? ये माँ रोएगी, तेरी बाप रोएगा, गुरु जी को दुख होगा। वो सारा बोलेगा क्या क्या दूसरी लड़की से शादी कर लेते हैं, मस्ती करेंगे तो तुम के तुम्हारे लिए रोता रहेगा? अभी लात मार के फेंक दूं तुमको ट्रेन से तो मर जाऊं, फिर कौन रोएगा? वो जिंदगी भर रोएगा तुम्हारे लिए? तुम्हारा माँ रोएगी, बाप रोएगा। तुम सारे बदलते नहीं हो लड़की, बेशरम निर्लज्ज। तुम लोगों को गुरु जी जो कहते हैं उस बात को मानते नहीं हो, गुरु जी के बात को नहीं मानते हो, तुम्हारा जिंदगी क्या होगा? अब वो दोनों लड़की बोले प्रणाम करके बोले महाराज गुरुदेव मैं थोड़ा हो क्या था। अरे तुम आओगे नहीं मुझे मालूम है, जाओ तुम तो ऐसी थ्री में था, मैं ऐसी टू में था। बोले जाओ। तो ये सब मैं किसी को बोलने के लिए नहीं छोड़ता, ये शुक्र प्रभु ने भी देखा जम्बर में किसी को नहीं छोड़ता। केशवानंद महाराज बड़ा डेंजरस है, डेंजरस, सच बोलने में कभी डरते नहीं है। ट्रेन में एक आदमी बोल रहा था, बोले वो अगर ऐसा बोले तो अरे दो ठूसा मारूंगा। तो बोले आप साधु के मारेंगे, आप सन्यासी हैं? अरे तो क्या हुआ, तुम जो करोगे वही ठीक है, और अन्याय करने वाले को दो ठूसा मारूं तो मैं साधु नहीं हूं। अन्याय करने वाले को मारने से नहीं डरना चाहिए, मारो इतना मारो कि साले उठना खड़ा हो पाए, ऐसा मार दो। क्योंकि अन्याय का सहन करना कोई साधुत्व नहीं है। अन्याय को कैसे सहन करते हो? और हर आदमी जो कमजोर है वो सहन कर सकता है, लेकिन मैं तो कमजोर नहीं हूं। मैं ऑल ओवर इंडिया भक्ति योग आश्रम ट्रस्ट का फाउंडर प्रेसिडेंट हूं। जिसको मारूंगा ना उसको खड़ा होने भी नहीं दूंगा, दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसा मार मारूंगा जिसे खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ये प्रयोजन हो रहा है, समझ गया? तो इसलिए अभ्यास और वैराग्य का अभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य ये दोनों चीज तन निरोध, उनके निरोध का हा? अभ्यास और वैराग्य ही उनका निरोध का प्रवृत्तियों का निरोध कर सकते। निरोध समझते हैं ना, बंद करना। जो वृत्तियां बाहर की ओर दौड़ रही है उन वृत्तियों को कंट्रोल में लाने के लिए अभ्यास और वैराग्य ये दोनों क्रिया यत्न के साथ करना है। जैसे लड़की का मन लड़के में जुड़ा हुआ है, कितना भी गाली दो लात मारो कुछ भी गाली दो लेकिन दूसरी को सोचेगा, क्योंकि उसका मन फंस गया। वो मरेगा तभी वो उसको छोड़ेगा। जब दोनों में झगड़ा होगा, इतना झगड़ा होगा, मारपीट होगा, इतना पीटा पीटी होता रहेगा, उसके बाद ही छोड़ेगा, उससे पहले नहीं छोड़ेगा। ये कुत्ते का दुम है, ये सीधा नहीं होगा, समझ गए ना? कैसा दुम है? कुत्ते का दुम है। दुम कोई टेढ़ा है वो सीधा नहीं होगा, कितना भी समझाओ सर, बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, तो इसलिए ये संसार का नियम है। जैसे युवती नाम यथा जूनी, युवती का मन जैसे युवक में फंसा हुआ होता है, जूनाम च युवतो यथा, और युवक का मन जैसे युवती में फंसा हुआ होता है। मनो में रमति तद्वत, मेरा मन ऐसा ही रमन करे। कैसे? बोले जैसे युवती और युवक का मन एक दूसरे में रमन करता है। रात भर फोन से बात करते करते दो एक बज गया, दो बज गया, तीन बज गया, चार बज गया, उसके बाद सोया, बारह बजे जाके उठ रहा है। सारा पापी ये दुनिया में पैदा क्यों हुआ? इसको पैदा जो किया वो बाप माँ भी कैसा है और वो पापी कैसा है? रात भर दोनों बात करता है, बात करते करते रात बीत जाता है, फिर जाके सोता है, 10 बजे 12 बजे
उठता है, कितना बजे उठता है? ये सारे कुत्ते का पूछिए, इसका कोई कल्याण होगा जीवन में? तो ये सब हमने जीवन में देखा है। अभी तो गेम का चालू हो गया, पबजी, हाँ पबजी गेम का, हाँ वो चलते दो, लेकिन उसमें क्या है ये बहुत कुछ चल रहा है अभी, और ये मोबाइल आके दुनिया को बर्बाद करके रख दिया। सब जो है चैट करता गया, एक बात याद नहीं आ रहा था, चैट चैट करना, चैट करना, बात करना, चैट करते 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 रात बीत जाता है। कितना प्यार का बात बोलता है, कितना कुछ सुनता है, और लड़कियां फोन करके बताती है मुझसे चैट करो, अपनी दिल की बात मुझे बोलो, मैं कितना प्यारी हूं तुम्हारे लिए, ये सब फोन से बोलता है। फोन आ गया, फोन उठाया तो वो बोलने लगी, हमारे फोन में भी कभी कभी आ जाता है, बोले मुझसे प्यार करो, मुझसे बात करो, मुझसे चैट करो, मैं तुमको बहुत प्यार दूंगी, मेरा मुझसे बात करके तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा। सोच लो यही सब दुनिया को मिल रहा है। तो ये युवती नाम यथा जुनी जुनाच युवत यथा मनो में रमते तदवत मनो में रमता तो ही, भगवान से कहते प्रभु मेरा मन ऐसा ही तुम्हारे चिंतन में मनन में मेरा मन ऐसा ही रमण करे, जैसे एक युवती का मन युवक में रमण करता है, एक युवक का मन युवती में रमण करता है। इसको छोटा करके मत देखो, जब पहले बार प्यार होता है ना 14-15 साल किशोरावस्था में, जब प्यार में फंस जाता है तो उसको मार मार के पीट पीट के कुछ भी कर दो वो मर जाएगा, लेकिन उसको छोड़ेगा नहीं। हाँ वो छोड़ेगा नहीं, अरे आत्महत्या कर लेगा, गले में फांसी लगा लेगा, फांसी लगा दिया। कई लोगों को देखा, किसी ने जहर पी लिया, दो दिन से खाना नहीं खाया और जहर पी लिया और मर गया, मेरे एक शिष्य के गोद में, नैनीताल में 4 नंबर शक्तिपर में। और एक लड़का मैंने कहा उन्हें बोला, हजारों घटनाएं हैं, मर गया। सोचो क्या भगवान के लिए कोई मरने के लिए तैयार है पैर से, कि प्रभु तुम्हारे पैर से मैं मरना चाहता हूं, गले में फंसी लगा दूंगा, जहर पी लूंगा, तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे, दर्शन दो गिरिधारी, नहीं तो जहर पी के मर रहा हूं, ऐसा तो कोई नहीं कहता और कोई करता भी नहीं है। मीरा ने तो जहर पी लिया, अरे गुरुदेव को रहने दो, अभी अभी किशोरवाणी देखो सुन लो पहले। तो अभी जो बात है क्या भी कर, ये तो अलग चीज हुआ, ये तो भाव कीर्तन में हम बोल दिए, लेकिन सचमुच हम विष पीने के लिए तैयार है भगवान के लिए कि प्रभु? अरे ये तो वैष्णव आचार्यों ने कहा, गुरु जी ने एक बार सिद्ध महात्मा मनोहर दास बाबा थे, ये गोवर्धन में नहीं, वो उधर रहते थे ज्योतिपुरा के पास, तो सिद्ध मनोहर दास बाबा वो सिद्ध महात्मा थे, तो उनसे पूछा कि भगवान कब मिलेंगे, बोले जब अपने जीवन को बाजी लगा दोगे। सीधी सी बात है, जीवन को भगवान के लिए बाजी लगा दो, जैसे वो वेश्या आकर के वृंदावन में सारा संपत्ति देने के लिए कहा, तो आज के मंदिर में वेश्या हो चाहे कोई भी हो आके दे दे तो अरे कितना सोना लाया, प्रकार लाया, ले आओ ले आओ, वो कोई नहीं पूछेगा कहाँ से लाया, 2 नंबर से लाया, 3 नंबर से लाया, वेश्यावृत्ति करके लाया या चोरी करके लाया, डाका डाल के लाया, पूछेगा नहीं। लेकिन उस समय पूछा ये सब कहाँ से आया, बोले मैं एक वेश्या हूँ, सोनागाछी में रहती थी वेश्या, और मैंने ये सब कमाया वेश्यावृत्ति से, लेकिन वेश्या में अपने मन से नहीं हुआ, समाज ने मुझे बहुत परेशान, उस समय समाज व्यवस्था भी बहुत गलत था, इसी कारण वो माता वेश्या बन गई, और वो सब कुछ ला करके भगवान को रोते रोते गोविंद जी के मंदिर में कहा कि इसको ले लो, बोले हाँ हम इस पैसे को नहीं छुएंगे, ठाकुर जी के हमको ये अधिकार नहीं है कि वेश्या का पैसा लेके ठाकुर जी के सेवा करें, तुम जाओ निकलो यहाँ से मंदिर से, निकाल दिया।
तो उसने क्या किया, जीवन को बाजी लगा दी। वो पानी घाट में तो पहले कोई नहीं जाता था ना, पानी घाट में हम जब आए तब भी कोई नहीं जाता, पूरा बालियाड़ी घाटी तो मुकर बन गया। जिस समय आज से संजोग में वृंदावन में आया, आज से 50 साल पहले 49 ईयर्स पहले मैं वृंदावन में आया, 50 ईयर्स पहले आया, तब उधर कुछ नहीं था। जो था वो उनको मालूम है, जो वृंदावन के पुराने लोग हैं उनको मालूम है। तो वहां जाकर के उस वो बेश्या क्या किया, वो माता बेश्या नहीं कहना चाहिए, केवल लोग को समझाने के लिए, वहां जाके जमुना जी के किनारे पड़े पड़े रो रही थी कि ठाकुर जी मैंने पाप तो स्वेच्छा से नहीं किया, समाज ने मुझे विवश कर दिया पाप करने पर, इस दुष्कर्म के लिए मैंने तो मन से नहीं किया प्रभु जी, मेरा क्या होगा, जो होगा होगा। वृंदावन आ गए आपके जमुना जी के किनारे, सारा पोटली वहां रख के वहां रो रो के एक दिन नहीं खा के ऐसे ही पड़ी रही, दो दिन पड़ी रही, तीन दिन पड़ी रही, कुछ नहीं खाए, कुछ पानी भी नहीं पिया कि मेरा मृत्यु हो जाए, बस जमुना जी के किनारे मेरा मृत्यु हो जाए और मेरा जीवन यहाँ चला जाए, कुछ भी हो उसके बाद हमें बस मृत्यु ही चाहिए। प्रभु के लिए उसने मृत्यु को फाइनल कर लिया कि मेरा मृत्यु हो जाए। फिर गोविंद जी पुजारी को कहा, जाओ, उसने रो रो के सारा पाप धो दिया, जल्दी जाओ जाके उसको ले आओ, उसका सारा पैसा सारा सोना दाना जो भी कुछ है लाके सेवा में लगा दो, जाओ। पुजारी भाग भाग के गया, गोविंद जी का सपने में आदेश हुआ, ठीक है जाओ, तो इसलिए क्या हुआ कि उसका सारा सब कुछ सेवा में लगा दिया। तो कैसा, तो उसने तो केशवानंद जैसा संन्यास नहीं लिया, केशवानंद जैसा बचपन से तपस्या नहीं किया, लेकिन उसने जीवन को बाजी लगा दिया कि मरूंगा तो वृंदावन में जमुना तट पर रो रो के गोविंद जी को बुला बुला के प्रभु के लिए इतना रोऊंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना कुछ करूंगा, मैं तो जीवन को रो रो के यहां त्याग दूंगी, जीवन को त्याग दूंगी, मुझे और कुछ नहीं। तो भगवान भगवान को बाध्य होना पड़ा, भगवान को विवश होना पड़ा कि जाओ उसको ले। भगवान, हम लोग सन्यासी बन के अगर भगवान से नहीं जुड़ पाए तो वेश्या सारा जीवन पाप कर्म करते हुए कैसे संकल्प किया कि तीन दिन में भगवान को, चौथे दिन में भगवान संतुष्ट हो गए और उसको सारा सब कुछ विषय संपत्ति सब लगा दिया। सोच लो, जीवन से भगवान को प्यार करना सीखना है और वो प्यार लोक दिखावा नहीं है, वो प्यार अपने दिल का है, हृदय का है, अपने जीवन का है, अपना है, दूसरे का नहीं है। इसलिए अभ्यास और वैराग्याभ्यास, अभ्यास यत्न करो, अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो और वैराग्य दृढ़ता के साथ करो, तन निरोध हो, तभी तुम्हारी जो वृत्तियां जो बाहर भाग रही है, कभी लड़कियों के पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी और के पीछे, ये दो चीज तो मेन है, कनक और कामिनी, समझ गए ना, कनक और कामिनी। प्रभुपाद का एक कीर्तन है, कनक कामिनी विवश जामिनी छाड़ी आछे जारे सेई तो वैष्णव, सेई शुद्ध भक्त सेई अनाशक्त संसार तथाय पाय पराभव, समझ गए ना। किसका कहना है ये, प्रभुपाद कौन है, सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनका ये शब्द है। तो सोच लो, ये कनक और कामिनी में सारा दुनिया फंसा हुआ है, साधु हो चाहे असाधु हो, चाहे चोर हो, गुंडा हो, बदमाश हो, धूर्त हो, कपट हो, दो नंबर वाला हो, सारा उसी में फंसा हुआ है। उससे निकल के जो भगवान को सरेंडर करेगा, जो इसीलिए अभ्यास करने के लिए कहा है, इतना अभ्यास करो दृढ़ता के साथ कि भगवान को दिल से प्यार करना सीख जाए, हम ये जीवन हमारा सफल हो जाए, मेरा हृदय सुंदर हो जाए, भाव सुंदर हो जाए, संकल्प सुंदर हो जाए। कनक कामिनी दिवस जामिनी छड़िया छे जारे सही तो विष्णु, ये
इसलिए अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोध निरोध, तुम्हारी जो वृत्तियां बाहर की ओर भाग रही है उन वृत्तियों को निरोध करने का यही उपाय है। ये व्यास जी के जो प्रधान चार शिष्यों में पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र का योग दर्शन का जिन्होंने प्रणयन किया वो कहते हैं कि यही उपाय, भागवत पढ़ोगे तो यही उपाय आएगा, गीता पढ़ोगे तो यही उपाय दिखेगा, और कुछ नहीं है। जो केशवानंद बोलेगा बोलेगा वही वेद है। कोई कहता है महाराज जी आपने जो कहा वो कहां शास्त्र में लिखा हुआ है, बोले कहां तुमने कौन कौन सा शास्त्र पढ़ा है, पढ़ा है तुमने, कब पढ़ा, कौन सा शास्त्र पढ़ा, बोलो कौन शास्त्र में नहीं है, अगर कहीं तुमने पढ़ा वहां लिखा नहीं है तो वहां लिख देना कि ये केशवानंद का वचन है, ये वेद वाक्य है। इतना में अहंकारी हूं और इस अहंकार को क्या कहते हैं, सात्विक अहंकार, क्या कहते हैं, सात्विक अहंकार। ये अहंकार सात्विक है, तामसिक अहंकार नहीं है। आपने ज्ञान के प्रति, आपने तपस्या के प्रति, आपने विद्या के प्रति, आपने उपासना के प्रति अहंकार होना बहुत जरूरी है। मेरा तेज किसी को नहीं छोड़ता, मेरा तपस्या का तेज इतना है मैं किसी को नहीं छोड़ता, ना किसी से डरता हूं ना किसी को छोड़ता हूं, जिसको जैसा दंड देना होता है वो देखे। तो इसीलिए अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य माने दृढ़ता। वो अभ्यास आज किया, काल किया, 15 दिन किया, एक महीना, नहीं तो 2 महीने तक कर रहा था, अभी कुछ परेशानी आ गई, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया, काम में फंस गया, कुछ लड़की की शादी के चक्कर आ गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गया, किसी के प्यार में फंस गया और किसी को दुख में फंस गया, किसी पैसे के चक्कर में फंस गया, मेरी वो साधना टूट गई, ऐसा जो कहता है वो साधक नहीं है, समझ गया ना। उसमें दृढ़ता होना चाहिए, दुनिया पलट जाए, दुनिया चला जाए, दुनिया रोते रोते कहीं चला जाए, लेकिन मेरा साधना बंद नहीं होगा, मेरी दृढ़ता इतनी होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, बोले आज भी कथा करेंगे, कल बाबू पूछ रहे, मैंने कहा जब जो कब करता हूं उसी में फोकस करता हूं, जब खाता हूं तो खाता हूं, खाते समय भगवान को कहता हूं तुम गिलो, भगवान को कहता हूं ये ग्रास तुम भी ले लो, शिवाय नमः, रुद्राय नमः, दुर्गाय नमः, नारायणाय नमः, महालक्ष्मी नमः, सब खाते रहो, मैं खा रहा हूं, मेरे मुंह से तुम सब खाते रहो, समझ गए ना। क्योंकि भाव यही है, मेरा ये जीवन तुम्हारा है, ये शरीर तुम्हारा मंदिर है और इस मंदिर में तुम रह रहे हो तो तुम्ही को भोग लगाना है, समझ गए ना। इसलिए कुछ संप्रदाय में गुरु को ही सब कुछ मानते हैं, क्यों, ये सच है, क्योंकि गुरु जो होता है वो भगवान का प्रतिमूर्ति होता है, इसलिए जो योगी होते हैं उनके दिल में भगवान बैठे हुए होते हैं। योगी कहते हैं प्रभु खाओ तो भगवान खाएंगे, जरूर खाएंगे, तो इसीलिए विश्वास तो होना चाहिए। इसलिए अभ्यास वैराग्य अभ्यास तन निरोध, निरोध करने का, वृत्तियों को बाहर से रोकने का ही उपाय है कि यत्न पूर्वक तत्र कृते यत्नाभ्यास, इस बात को ध्यान रखो, ये भी पवन जी का सूत्र है, तत्र कृते यत्नाभ्यास, इसके कारण तुम्हें यत्न पूर्वक अभ्यास करना है। जैसे किसी लड़की में तुम्हारा मन फंस गया, वो लड़की तुमको चाहती नहीं, वो कहते मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तो लड़का क्या करता है, जत्न करता रहता है, उसके पीछे दौड़ता रहता है, जैसे बकरी के पीछे बकरा दौड़ता है, गधी के पीछे गधा दौड़ता है, तो उसी तरह वो लड़की के पीछे दौड़ने लगेगा, उसको समझाने लगेगा क्यों नहीं कर लोगी, मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तो तुमको दिल जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन वृथा है, व्यर्थ है, तुम तो मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे खुदा हो, तुम मेरे अल्लाह हो, तुम मेरे गॉड हो, तुम मेरे क्या हो, कुछ नहीं जानते, तुम्हारे बिना मेरा जीवन नहीं चलता। फिर अगर लड़की इन सब
तुम अगर मुझे नहीं लिए माने तो मैं तो जान दे दूंगा, इतना तक कह दिया। एक ही बोले क्या कर, लड़का तो मरने को तैयार है, मैं तो उसको शादी किए बिना रह नहीं सकता, किसी का जान मेरे लिए चला, ये मेरे सामने कौन से घटना आती है। लड़की आके बोलती है वो लड़का तो मेरे लिए जान देने को तैयार है। बोलो कहता तो है, एक बार उसको बोलो कि तुम काल एक बार जान दे के दिखा दो, बोल दो ये काल एक बार जान दे के दिखा दो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए जान दे दूंगी, मैं भी बचत लेती हूँ, तो तुम एक बार जान दे के दिखा दो, तब तब पता चलेगा कि कैसे जान देता है। समझ गए ना, तुम्हारा नाम क्या है? प्रहलाद। प्रहलाद तो देखो प्रहलाद, ये बहुत खतरनाक चीज है केशवानंद महाराज, ये सब लोगों को सीधे सीधे बोलते हैं। बोले उसको बोलो, अरे बोल, बोले जान देके एक बार दिखा दो, फिर हम तुमसे शादी कर लेंगे। समझ गए? तो ये सब दुनिया का दस्तूर है, दुनिया में कितना भी समझाओ साले कुत्ते का दूध सीधा नहीं होगा। भगवान का भजन किसे कहते हैं, वो समझने का जरूरत नहीं, वो सब बहुत कुछ कहेगा सामने आके, क्योंकि महाराज गाली देते हैं बहुत ज्यादा, प्रवचन में गाली एकदम डायरेक्ट देते हैं। कोई अगर इधर दिखता है, इधर क्यों दिख रहा है, मेरे तरफ देखो, तो ये सब तो मुझे डरते हैं, इसलिए तो डर के मारे तो उनको उधर कह देता है, मेरे तरफ नहीं देख सकता। सोच ले कि मेरे साथ शुभ दृष्टि हो रहा है, शादी में जैसे पति पत्नी में शुभ दृष्टि होता है, मेरे साथ दृष्टि दृष्टि मिला के बाद प्रवचन सुन सारे देखा डर रहेगा, तो मेरा प्रवचन ऐसा होता है इसलिए मुझसे डरता है, तो मेरे सामने कुछ नहीं बोलेगा, तो ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन महाराज जो कहता है वो सच कहता है कि प्यार करना सीखो आत्मा से, परमात्मा से, जीवन से, संकल्प से, हृदय से और आनंद से जियो। आनंद के बिना जीवन क्या है, मीठा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, आनंद से जियो, यही आनंदमय जीवन है हम सबका। तो इसलिए हमको भी यही कहना है कि तुम सब कथा सुनो, समझो और जीवन में उसका पालन करना जरूरी है। जीवन बदल जाएगा कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों में देखोगे योग करने से कैसे बदलता है। जो प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, वो प्योर साइंस है, वो एकदम काम करके दिखा देगा कि क्या हो सकता है। इसलिए जीवन में हमको आगे चलना है। तो आप सभी को मेरा विनम्र निवेदन है कि आप YouTube में प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, जितने भी भक्त देख रहे हैं और जो भी Facebook में देख रहे हैं वो उसको शेयर करें। हम इस प्रोग्राम को पहले तो लोड डाउन करेंगे और कुछ ही देर में YouTube में डाल देंगे। पहले आप जो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, और वृंदावन में आप लोग 17 तारीख को जो आ रहे हैं जल्दी आ जाइए, 18 तारीख को ये क्या अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, 18 को पहुंचेंगे, 19 तारीख को चंद्र ग्रहण है, 12:48 पर चंद्र ग्रहण लगेगा, उससे पहले हवन खत्म करना होगा, मंदिर बंद करना होगा, भोग राग समाप्त करना होगा, लोगों को प्रसाद देना भी समाप्त करना होगा। और इसीलिए आसपास के लोगों को सुबह जिम्मेदारी है, एक आदमी को लेकर के साथ में आसपास में सबको बोलना कि इस बार हम कुछ प्रॉब्लम के कारण प्रोग्राम छपा नहीं पाए हिंदी में, तो आपको हम घर में आके निमंत्रण करते हैं। आप लोग 19 तारीख को 11:30 आके प्रसाद लीजिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है 12:48 में, कि उस समय उसके बाद फिर हम प्रसाद नहीं दे पाएंगे, मतलब 12:30 या फिर 12:40 तक दे सकते हैं, उसके बाद नहीं देंगे, जो भी रहेगा उसको फेंकना पड़ेगा। हाँ, तो आप लोग जल्दी समय पर आ जाइए, जिससे कि सबको हम प्रसाद दे सकें। आपको हमारा विनम्र निवेदन है और आंतरिक निमंत्रण है, दिल से निमंत्रण है, आप लोग आश्रम में 19 तारीख को 12 तक आके प्रसाद ले लीजिए, एकदम बैठ जाइए। हम प्रसाद हमारा गीता महायज्ञ समाप्त भी नहीं होगा तब भी प्रसाद देना शुरू कर देंगे, आप सब महायज्ञ तो समाप्त तो करेंगे ही करेंगे, तो वो तो जल्दी करना है। तो ये सब प्रोग्राम है, इसलिए क्या कहना है कि ये सब हम लोगों को, सभी भक्तों को हम सूचित करते हैं
कि आप 17 तारीख को कलकत्ता से ट्रेन पकड़िए, मैं तो वृंदावन आ गया हूँ किसी काम, बस मुझे जल्दी आना पड़ा, दूसरा टिकट पहले वाला टिकट को कैंसिल करके हेडक्वार्टर से, रेल का हेडक्वार्टर से VIP कोटा से कन्फर्म करके मुझे वृंदावन आना पड़ा काम करने के लिए। तो इसी तरह वृंदावन आ गया हूँ, और आप लोग गीता जी और मनोरंजन और सब भक्त आ रहे हैं, बहुत से हमारे अपने फणिभूषण मजूमदार, सपना मजूमदार, और हमारे जो हाजरा बाबू, और एक है हमारे बहुत पुराने भक्त है जो हर साल आते हैं हमारे साथ, पीयूष कांति देव, ऐसे सारे विशिष्ट भक्त सब लोग आ रहे हैं। तो इसलिए ये सारे लोग जो विशिष्ट भक्त हैं ये सब आ रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं, आप सब लोग साथ में आ जाइए, और यहाँ पर सारा प्रसाद तैयार होगा, और अभी जरा कोहरा यहाँ पर छाया रहा है, मतलब कुआसा कुआसा प्रॉब्लम है, गाड़ी खूब लेट होते, तो आपका सेटा ख्याल करें, और आप सबको मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग सभी आइए, उत्सव में निमंत्रण प्रसाद ग्रहण कीजिए, सबको निमंत्रण करता हूँ दिल से, और आज का प्रोग्राम यहाँ समाप्त करता हूँ। जो भी भाग्य विचार करना चाहेगा, यहाँ मेरा कंप्यूटर, यहाँ मेरा लैपटॉप, यहाँ मेरा सब कुछ है, प्रिंट करके आपका भाग्य विचार करके ऑनलाइन आपको भेज दूंगा, या स्पीड पोस्ट में भेज दूंगा, प्रिंट आउट करके भाग्य विचार करके भेज दूंगा, जो भी करना चाहेगा वो यहाँ वृंदावन में कंटेक्ट कर सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा एक दो दिन करें, लेकिन 20 तारीख से मैं परिक्रमा में इतना व्यस्त रहूंगा, नवंबर 30 नवंबर तक, तो 1 दिसंबर से आप लोग संपर्क करें, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, 30 तारीख को भक्त लोग रात को चले जाएंगे, और यहाँ क्लास होता चलता रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग मेडिटेशन क्लास करने के लिए आ रहे हैं, अहमदाबाद से भी बहुत से लोग आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं, तो वो लोग सब लोग यहाँ मेडिटेशन करेंगे, बहुत से लोग रहेंगे और सब लोग मेडिटेशन क्लास में योगदान करेंगे, इसलिए सबको धन्यवाद, सबको आंतरिक वैष्णवों को धन्यवाद लगा जय देखे, यहाँ समाप्त करता हूँ। वंचा कल्पतरुभ्यैवैष्णवे नमो नमः। ओम मम मिनती सुनोसी हरि, मम मिनती सुनोसी हरि, हरे जीवन यति मे जीवन I'm not afraid.